राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज़ नहीं है और साथ ही मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछताछ के लिए राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप दिल्ली रवाना हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि ऑडियो फेक है, मैं मारवाड़ की भाषा बोलता हूँ जबकि ऑडियो टेप में झुनझुन टच है। जिस गजेंद्र का जिक्र किया गया है उसका कोई पद का जिक्र नहीं है, कोई जगह तक का जिक्र नहीं है। ऑडियो जोड़ तोड़ कर भी तैयार किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही वह यह भी कह रहे हैं कि मैं कई संजय जैन को जानता हूं, इसलिए मुझे बताया जाए कि कौन से संजय जैन की बात कर रहे हैं और उन्होंने मेरे किस नंबर पर बात कराई है। इस बीच SOG की तरफ से कहा गया है कि महेश जोशी ने शिकायत दर्ज कराई है। SOG ने कहा कि इसमें कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवर लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दलाल संजय जैन आपस में विधायक खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो की जांच कर कार्रवाई की जाए। संजय जैन को कल दिन भर पूछताछ के लिए बुलाया गया। आइए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने दो ऑडियो का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बागी कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच पैसों को लेन देन की बात चल रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज BJP राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश में है। इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरी साजिश में शामिल हैं। उन पर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए। अब राजनीति में ये कौन से नए मोड़ हैं, ये कितने नए पहलुओं पर जाती है अब राजस्थान की सियासी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए SPN9 न्यूज़ रूम से मैं शालिनी झा।